Hey guys, welcome back to my channel. So after a long time then I post a video. So basically कुछ मेरा काम था, इसके लिए मैं इतना दिन से वीडियो दे नहीं पा रहा था. सो ये है मेरा सुजुकी एक्सेस BS4 2020 मॉडल, क्योंकि 2020 का बाद में, मतलब अप्रैल के बाद में BS6 आ गया था. सो ये BS4 है, मैंने प्रियन लिया था 2023 पे, लगभग 38,000 देने, मतलब 38,000 पे, मतलब अच्छा सा डील मिल गया था उस टाइम पे ये एक्सेस पे, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेस का अभी भी, मतलब एक्सेस का रीसेल वैल्यू 3 साल बाद अगर कोई भी आप गाड़ी देखोगे तो अराउंड 55-60 के आसपास ही आपको मिलेगा. 40 में भी आपको नहीं मिलेगा. मैंने बहुत रिसर्च किया तो ये एक गुड डील मिला था, उस टाइम पे ले लिया था. बट हाँ, गाड़ी पे मैंने बहुत सारा खर्चा किया, ऐसे नहीं कि मतलब 38,000 पे लिया, गाड़ी एकदम गुड कंडीशन में था, ऐसा नहीं. ऑलमोस्ट लगभग आप समझ लो 12-15,000 के आसपास खर्च किया, क्योंकि ये जो हेडलाइट देख लो, ये मैंने चेंज किया, ये क्रोम, ये इंडिकेटर, पीछे वाला जो बैक लाइट है ये भी फटा हुआ था, ये चेंज किया, और सामने का टायर, हालांकि ये सामने का टायर मैं 1 साल बाद चेंज किया था, लेकिन हाँ ये भी चेंज हुआ है मेरा. और बहुत सारा काम हुआ था उस टाइम पे गाड़ी पे, मतलब ये देखो, ये रोड जो है क्लोज रोड है उधर, मतलब उस साइड पे जो है गाड़ी चल रहा है, ये अभी क्लोज रोड है, तो इधर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो द थिंग इज़ कि मैं बहुत सारा काम किया हूँ गाड़ी पे, मतलब गाड़ी लेने के बाद ही बॉलर सर जो है, सस्पेंशन ऑयल, और भी जो ब्रेक का चेकिंग है, शायद पीछे वाला जो ब्रेक पैड है, ब्रेक शू, ये सब चेंज किया था. सो यही है. और इस साल पे मैंने क्लच का काम किया था, उसका बिल भी है, शायद मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको. ये देखो इधर बिल, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 4,040 रुपीज़, और मेरा 500 का कुछ जो है एडवांस दिया था. इधर देख लो सब जो चीज़ लिखा है, मतलब जो क्लच का है, वेरिएटर, जो बेल्ट आता है क्लच का, इधर जो एयर फिल्ट, देखो क्लच में एक मतलब कुछ एयर जाने के लिए एक पाइप होता है, होस पाइप, वो भी मैंने चेंज किया क्योंकि वो फट गया था उस टाइम पे. सो लगभग इस साल में भी ऑलरेडी 6,000 के आसपास मैंने खर्चा कर लिए. और क्या बोलूँ, हाँ, स्टार्टर मोटर पे भी मैंने, मतलब स्टार्टर मोटर भी मेरा ख़राब हो गया था, तो स्टार्टर मोटर में वो भी चेंज किया, ऑलमोस्ट 1800 का प्राइस आता है. बैटरी मैंने चेंज किया गाड़ी का. स्टार्टर मोटर एक्सेस का एक बहुत बड़ा मतलब बीमारी है समझ लो, क्योंकि बार बार वो चीज़ ही आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसलिए देख लो एक बार, इसमें 1 push start आता है, गाड़ी खुद से स्टार्ट हो गया. ये अगर स्टार्टर मोटर ठीक नहीं रहेगा तो ये स्टार्ट भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल भी आपको स्टार्ट नहीं करेगा स्टार्टर मोटर, ऐसा बात है. तो फ्रीक्वेंटली ये स्टार्टर मोटर ख़राब हो जाता है लगभग 2-3 साल में, जो दूसरे स्कूटी में नहीं होता है. तो यही बात है, ये जो है मेरा, मतलब ये गाड़ी का एक्सपीरियंस मैं मतलब बोला इतना टाइम. तो अभी जो है कमिंग टू द बेसिक नॉर्मल रिव्यू, ये सुजुकी एक्सेस जो है मतलब डिसेंट पावर देता है, गाड़ी का वेट जो है उतना नहीं है, 110 के आसपास होता है वेट लगभग, मतलब दूसरे कुछ से भी मतलब कम, क्योंकि इधर देखो फाइबर बॉडी मिलता है, इधर भी फाइबर, सिर्फ आपको मीटर मिलेगा इस साइड पे, इस साइड पे आपको मीटर मिलेगा, ये वाला भी फाइबर और ये वाला मेटल, और ये सब चीज़ फाइबर, इसके लिए इसका वेट कम है, क्योंकि इधर जो मेटल दिया है ये अच्छे के लिए दिया है, मतलब अगर आपका गाड़ी गिर जाएगा तो उतना मतलब डैमेज नहीं आएगा गाड़ी पे. सो इसके लिए इधर जो है गाड़ी का वेट भी कम है, तो वेट टू पावर रेशियो के लिए गाड़ी एकदम ठीक ठाक है, गाड़ी अच्छा खींचता है, गाड़ी का इंजन रिफाइनमेंट जो है लाजवाब है, एंड सुजुकी का तो इंजन रिलायबिलिटी तो अलग लेवल का ही है, कोई उसमें मतलब दिक्कत ही नहीं है. अगर आप इंटोर्क से मतलब कंपेयर करना चाहते हो तो इंटोर्क का जो है लुक्स थोड़ा सा ज़्यादा, यू कैन से कि स्पोर्टी लुक है, एंड ऑल्सो इंटोर्क में जो है जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो भी आपको बूमी मिलेगा, जो इधर नॉर्मल है. तो यही सब चीज़ है सुजुकी एक्सेस जो है, एक बेसिक नॉर्मल, यू कैन से कि ठीक ठाक है. बट हाँ, इसका जो है यू कैन से कि रीसेल वैल्यू उतना नहीं है, एकदम ही कम है. मेरा इससे पहले भी जिक्सर भी था, जिक्सर मेरा अच्छा कंडीशन पे था, 7 साल का गाड़ी मुझको, या 35,000 के आसपास मुझको सेल करना पड़ा. तो यही एक मतलब बीमारी है सुजुकी का, जो आपका रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं आता है. और मैंने जब गाड़ी लिया था उस टाइम पे 13,000 में गाड़ी लिया था, और अभी देखो 20
20,800 मतलब 21,000 होने वाला है। और जब मैंने गाड़ी लिया था उस टाइम पे गाड़ी ठीक ठाक था, लेकिन अभी एक दिक्कत आ रहा है, इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा पी रहा है गाड़ी को। मतलब इससे पहले जो था 1700 किलोमीटर में मेरा इंजन ऑयल पूरा ही ख़त्म हो गया था। इसका इंजन ऑयल का क्वांटिटी है 650 ml, लेकिन मैं 700 या 750 ऐसे कुछ डालता हूँ, मोटुल का 1 लीटर ले लेता हूँ उससे। सो ऑलमोस्ट 1700 पे पूरा इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था। सो अभी मैं यही चीज़ से चेक कर रहा हूँ, अभी तक तो ठीक ठाक है। हाँ, अभी मैंने सिंथेटिक डाला 10W40, जो इंजन का इसका जो ग्रेड है 10W30 आता है। सो यही एक बात, अभी जो है यूज़र एक्सपीरियंस जो ठीक ठाक है। हाँ, माइलेज अभी थोड़ा कम दे रहा है, तो लोकल मैकेनिक ने यही बोला कि शायद इंजन ऑयल खा रहा है, तो इसके लिए। फिर भी मैंने जो है एयर फ्यूल मिक्सचर का जो चीज़ मैंने चेक किया, और इधर देखो साइलेंसर मैं हाथ दे रहा हूँ, ये देखो कितना काला आ रहा है। सो ये किस वजह से, मुझको तो यही चीज़ लग रहा है जो गाड़ी का कार्बोरेटर में यू कैन से कि मतलब फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो इस ऐसा काला आएगा, लेकिन लोकल मैकेनिक ने ये बोला कि नहीं, इससे मतलब वो भी चीज़ हो सकता है, नहीं तो आपका जो इंजन ऑयल है, गाड़ी इंजन ऑयल पी रहा है, तो इसके लिए थोड़ा ऐसे काला काला जो है मतलब चीज़ आ रहा है। सो यही एक छोटा सा चीज़ है, और मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि आफ्टर सर्विस करने के बाद एक छोटा सा मैं वीडियो डालूँ इसके ऊपर। सो वही चीज़ मैंने डाला, मतलब बोला ये चीज़। तो अभी मैं देखता हूँ मतलब क्या करूँ, गाड़ी का इंजन का काम कराऊँ कि नहीं कराऊँ, अगर कराऊँ भी तो किधर से कराऊँ। अगर आप लोग ये कोलकाता का साइड पे हो, वहाँ से देख रहे हो, तो आप मुझको प्लीज़ सजेस्ट करो कि किधर से हो सकता है ये सुजुकी मतलब स्कूटी का काम, क्योंकि मैं जो चुचरा का सुजुकी सर्विस सेंटर है उधर का मतलब उतना मैं रिलायबल नहीं हूँ कि वो लोग ठीक से काम कर पाए, और मैं लोकल मैकेनिक से भी ये इंजन खुलाना नहीं चाहता, यही बात है। अभी मतलब थोड़ा टोटल थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि क्या करूँ, अगर गाड़ी रखूँ कि नहीं रखूँ, अगर रखूँ तो किधर से कराऊँ इंजन का काम, अगर मतलब इंजन ऑयल मतलब इंजन में कोई तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि सुबह का टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा जो है स्मोक देता है, वाइट स्मोक, एंड इंजन ऑयल जो है मतलब जो बर्निंग का जो स्मेल आता है वो भी कभी कभी आता है, थोड़ा थोड़ा लेकिन आता है। सो यही बात है, मैं देखता हूँ क्या होता है उसके मतलब रिगार्डिंग। अभी यही है, अगर इंजन का कुछ काम मतलब मैं कराऊं या इंजन ये गाड़ी मैं छोड़ दूं, तो उस टाइम पे ज़रूर वीडियो दूंगा। सो यही है एज ऑफ नाउ, यही छोटा सा एक वीडियो था रिगार्डिंग माय सुजुकी एक्सेस एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है यू कैन से की एंड रिव्यू। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये गाड़ी अच्छा है, सुजुकी का हर गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से की अच्छा गाड़ी है, मतलब बागमैन बोलो, एवनीस जो है ये एक्सेस, लेकिन सुजुकी का सर्विस एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, एंड ऑल्सो सुजुकी का जो है रीसेल वैल्यू भी उतना अच्छा नहीं है। सो इसके लिए गाड़ी उतना मतलब बिकता नहीं है, इवन जिक्सर ऑल्सो वीस्ट्रॉम ऑल्सो वीस्ट्रॉम जो 250 आता है, सुजुकी का इंजन मतलब लाजवाब इंजन होता है, क्वालिटी उसका एकदम लाजवाब, लेकिन जो वही बात है यू कैन से कि मतलब रीसेल वैल्यू एंड ऑल्सो दैट सर्विस एक्सपीरियंस ऑल्सो वॉज नॉट गुड एट ऑल एनी सर्विस सेंटर। सो दैट्स द थिंग। चलो एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ, ये एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग माई सुजुकी एक्सेस VS4 मॉडल। तो चलो।